The bases are held together in a DNA double helix by hydrogen bond, and these bonds are option A ionic bond, option B covalent bonds, option C non-covalent bond, and option D bond double forces. तो जो हमारा हाइड्रोजन जो बॉन्ड बेसिकली जो नाइट्रोजन जो बेसिस होते हैं ना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ए टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एंड जी सी के बीच में देखेंगे तो थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. और ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंट होते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. अगर हम डीएनए के अंदर पाए जाने वाले नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करें, ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और भी होते हैं. अदर अगर हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इनमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी आता है, वन डॉल आता है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड आता है, ये सारे होते हैं. ये सारे हमारे मतलब कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं. वाइल अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें कौन सा बॉन्ड आता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी किसके बीच में फॉर्म होती है, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर के बीच में फॉर्म होती है, और ये हमारी कोवेलेंट बॉन्ड होती है. तो हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच होता है. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन नंबर सी, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड.